गुड मॉर्निंग आपका दोस्त नाम सुनील, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 2022 जस्ट आने ही वाले हैं, कुछ दिनों का वेट है, उसके बाद 2022 लग जाए। आई होप कि 2022, 2020 और 21 से काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मार्केट की तो पूरी लग चुकी थी वॉट। तो 2022 के अंदर काफी सारे ऐसे मोबाइल हैं जो कि होने वाले हैं लॉन्च, लेकिन मैं आपको टॉप 5 मोबाइल के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो 5 मोबाइल हो सकता है मे बी जैन में ही या फैब के अंदर ही वो मोबाइल होने वाले हैं लॉन्च और चीप रेट पे लॉन्च होने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं अपकमिंग मोबाइल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे, कौन सा मोबाइल मार्केट में लॉन्च हो गया, कौन सा नहीं हुआ, उसका प्राइस क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को तुरंत ही कर लीजिएगा लाइक। अगर कंटेंट पसंद ना आए तो गाइज, अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा मेरे को कमेंट करके, स्पेशली कि भाई ये इसके अंदर आप चेंजेस कर लो। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि 5 ऐसे टॉप मोबाइल जो कि लॉन्च होने वाले हैं जस्ट स्टार्टिंग में ही 2022 के। तो पहले लेते हैं हम सैमसंग को उठा लेते हैं। सैमसंग के 4-5 ऐसे मोबाइल है जो कि रिसेंटली में जिनका ओपनली अनाउंसमेंट अभी तक आ चुका है कि ये मे बी हो सकता है कि जैन के अंदर ये मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं। तो पहला जो मोबाइल है इसका A33 है, A53 है, A73 और M33 है। ये आपके 4 मोबाइल हैं जो कि रिसेंटली में होने वाले हैं लॉन्च, लेकिन इनमें से एक मोबाइल जो है सिर्फ वही जैन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, बाकी 3 मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो मोबाइल है वो है M33। ये मोबाइल आपको जैन के अंदर कभी भी लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा, जब भी दिखाई देगा इस पर स्पेशली मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं गाइस, Xiaomi, Redmi और Poco की। तो इन 3 कंपनियों के अंदर से कौन सा ऐसा मोबाइल है जो कि रिसेंटली में होने वाले लॉन्च? तो Xiaomi 11 है जो कि आपको जैन में देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी उसका जो प्राइस है आप 20 से 25 हजार रुपए के या 30 हजार रुपए के बीच पे हम मोटा मोटा लेके चलते हैं, तो 25 से 30 हजार रुपए के बीच अप्रोक्स ये इसका प्राइस रहने वाला है गाइस। पोको की तरफ से अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पोको इस बार कोई अपना मोबाइल जैन के अंदर लॉन्च नहीं कर रहा है अभी तक का, जो है आज तक के डेटे के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। लेकिन आपको बात करूंगा रेडमी के अंदर, तो रेडमी नोट का 4G है जो कि अभी तक ये किसी कंट्री के अंदर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे गूगल पे जाके तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर इसके चांसेस है ये 4G लॉन्च होने वाला है, ये जैन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार रुपए के आसपास रहने वाला है, अमोलेड के स्क्रीन के साथ ही आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे तीसरे के ओप्पो एंड रेडमी की, बात कर लेते हैं दोबारा ओप्पो की। तो ओप्पो के अंदर जो आपको मिलने वाला है गाइस, ओप्पो रेनो 7 आपको जैन के अंदर मिल जाएगा। इस जो लॉन्चिंग डेट है इसकी जैन की ही बताई जा रही है, तो जैन के अंदर ही आपको इजिली मिल जाएगा, जिसका अप्रोक्स अगर प्राइस की बात कर लेते हैं हम तो 20 से 40 हजार रुपए के बीच इसका प्राइस जा रहा है, इस प्राइस के अंदर ही आपको मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं इसके रेडमी के अंदर एक दूसरे वेरिएंट की, तो रेडमी के अंदर जो आपको मिलने वाला है रेडमी नार्जो मिल सकता है आपको 20, ये आपको मिल सकता है जो कि मीडियाटेक हेलियो के साथ वो G95 96 इसके चिपसेट मिल सकती है। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, बात कर लेते हैं इसके रियलमी की एक G2 की सीरीज भी आपको यहाँ पे जैन के अंदर देखने को जस्ट मिल जाएगी, क्योंकि रियलमी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि वो एक मोबाइल अपना रिसेंटली में लॉन्च करने वाला है ये जैन के अंदर। बात कर लेते हैं वीवो के अंदर, तो वीवो के अंदर जो है अभी आपका कोई मोबाइल यहाँ पे लॉन्च होने वाला नहीं है वीवो के अंदर। आईवो की बात कर ले तो आईवो के अंदर 8 सीरीज ऑलरेडी इसकी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आईवो की जो 8 सीरीज लॉन्च हुई है उसी को रीब्रांड करके इंडिया के अंदर 9 सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, यानी आईवो 9 के साथ वो लॉन्च होने वाला है। गाइस बात कर लेते हैं वन प्लस की, तो वन प्लस के अंदर वन प्लस नोट सी E2 आपको ये मोबाइल देखने को इजिली मिल जाने वाला है जैन के अंदर, जो कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट जाने वाला है 25 से 30 हजार रुपए के अप्रोक्स का प्राइस चला जाएगा। मोटोरोला की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो मोटोरोला में अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया मोटोरोला की तरफ से कि ये मोबाइल यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जैन के अंदर। तो अभी तक फिलहाल जो अभी मोबाइल है जो कि जैन के अंदर आपको रिसेंटली में देखने को मिल जाएंगे, जैन के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी 1 से 10 तारीख के बीच भी ऑलमोस्ट आपको ये मोबाइल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल काफी सारे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ काफी सारे ऐसे मोबाइल हैं जो कि जैन के अंदर या लॉन्च होने हैं या 2022 के अंदर वो लॉन्च होने और चीप प्राइस पे लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देखा सिर्फ आपने स्किप मार दिया क्योंकि आपको कंटेंट पसंद नहीं आया। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो इवन आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकता हूँ गाइज, क्योंकि काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को तुरंत कर लीजिए लाइक।
यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मोबाइल से रिलेटेड, कौन सा मोबाइल रिसेंटली में होने वाला है लॉन्च। तो गाइज ओके भाई, आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही था। ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। टेक केयर।